घर की बात अगर सड़क तक आ जाए, बीच समाज में आ जाए, तो क्या हो सकता है? घर बर्बाद हो सकती है। दहेज के लोभी एक परिवार फिर देखने को मिले हैं अरवल में। अरवल के व्यवहार न्यायालय के बाहर एक युवक अपनी पत्नी से तलाक लेने पहुंच गया, और यह तलाक इसलिए क्योंकि दहेज में युवक मोटरसाइकिल मांगा था और उसे मोटरसाइकिल नहीं मिल पाया, जिसको लेकर लगातार युवक अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करते रहता था और तलाक देने तक की बात आ गई। जब तलाक देने तक बात आ गई तो कोर्ट में मामला जब पहुंचा तो वहां पर भी युवक दहेज मांगने लगा, यानी दहेज के लोभी पति व्यवहार न्यायालय के बाहर भी अपने सास ससुर से मोटरसाइकिल का डिमांड कर दिया और कहने लगा कि अगर मोटरसाइकिल देते हैं तो तलाक नहीं दूंगा। अब जब लड़की के माता पिता ने मना कर दिया तो युवक बाहर रोड पे ही मारपीट करते हुए नजर आ गया। मारपीट इतना आगे बढ़ गई कि युवक हाथापाई करने लगा, अपने सास ससुर तक पर हाथ उठाने लगा और जमकर मारपीट करने लगा। देखिए इस वायरल वीडियो को। अरवल व्यवहार न्यायालय में एक युवक अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ हाथापाई करने पर उतर गया। दरअसल युवक अपनी शादी में दहेज में बाइक मांगी थी, ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक जबरन अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। तलाक को लेकर युवक शनिवार को अरवल व्यवहार न्यायालय पहुंचा और पत्नी से जबरन तलाक पेपर पर सिग्नेचर के लिए कहा। इसके बाद मामला बिगड़ गया और दंपति के बीच जमकर हाथापाई हुई। इधर बीच बचाव करने ससुराल वाले पहुंचे तो उसके साथ भी युवक ने हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद आसपास के लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ पीआर नहीं करती है। वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि युवक सदर थाना अंतर्गत अबगीला गाँव निवासी जितेंद्र कुमार की शादी वर्ष 2021 पटना के लाई गाँव में हुई थी। युवक के द्वारा दहेज में बाइक की मांगी गई थी, लेकिन बाइक नहीं मिलने के बाद युवक ने तलाक लेने का फैसला कर दिया और कोर्ट सर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट पटना। तो आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल के कारण युवक अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बताया जा रहा है कि व्यवहार न्यायालय सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए अपनी पत्नी से तलाक लेने पहुंच गया। जब वहां आसपास लोगों ने समझाया तो समझने से भी इनकार कर दिया और सास ससुर से मारपीट करने लगा और बीच बाजार में अपनी पत्नी को भी जमकर पीटने लगा।